हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स लैंड में। दोस्तों, इस वीडियो में कवर करने वाले हंगरी टी10 लीग का दोस्तों 12वां मुकाबला जो कि खेला जाने गाइस रॉयल टाइगर्स वर्सेस गाइस दीपोपेस चार्मे के बीच में। तो गाइस ये मुकाबला काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि दोनों टीमें दोस्तों बता दो काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे पहले मुकाबला हुआ था ना, तो फर्स्ट मुकाबले यहाँ पे रॉयल टाइगर्स की टीम जो है मैच विन कर गई थी, लेकिन ये मुकाबला आपको काफी शानदार एक टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे दोनों टीमों की तरफ से कौन से बेस्ट प्लेइंग 11 रहने वाली, जो कि आज की मैच हमारी टीम काफी शानदार होगी और इससे हम स्मॉल प्लस ग्रैंड में शानदार विनिंग करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा जिसमें आपको मैं ऑल प्लेयर्स के ऊपर एक एक प्लेयर के बारे में बताऊँ कौन से प्लेयर कैसा रिकॉर्ड इस मैच में रहेगा और कौन से प्लेयर कहां पे बैटिंग प्लस दो ओवर कंप्लीटली बॉलिंग करके कौन से प्लेयर आपको ज्यादा पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो वीडियो में गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे साथ चैनल पर नहीं जुड़े हुए थे, टेलीग्राम चैनल के साथ दोस्तों यहां पे क्या है, सबसे पहले यहां पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और डेली जैकपॉट विनिंग कर पाएंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं यहां पे जो स्टैट्स की तरफ जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो दोस्तों, अगर बात किया जाए यहाँ पे जो स्टेट्स की, तो मैच का इनफो आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पे 2:30 बजे से यहाँ पे जो मुकाबला ये स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, 2:30 पे मुकाबला जो है स्टार्ट होगा। और गाइस इंडियन टाइम के बेस पर रहेगा, सेम यहाँ पे गाइस ग्राउंड रहेगा जीबी ओवल का, जहाँ पे आपको मैट फॉर्मेट पिच देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गाइस क्या है, बैट्समैन के लिए ना बैटिंग करना थोड़ा सा ईजी रहता है। बॉलिंग की बात करते हैं पेसर्स को यहाँ पे विकेट ज्यादा जल्दी मिलते गाइस, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेसर्स के लिए भी ज्यादा हेल्पफुल होती है। वेदर कंडीशन दोस्तों ठीक ठाक है, मौसम क्लाउडली थोड़ा सा रहेगा, बाकी मौसम ठीक है क्लियर रहेगा। वहीं फर्स्ट इनिंग की बात करें तो दोस्तों आपको इस मैच के अंदर ना 100+ आसानी से जो स्कोर देखने को मिल सकता है कि दोनों टीमें काफी शानदार है और रिसेंट जितने मैचेस खेले दोनों टीम दोस्तों आसानी से 100 का जो स्कोर टच किया और फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए। तो इस मैच आपको 100+ स्कोर देखने को मिलेगा जरूर गाइस। वहीं पर अगर मैं बात करूं आगे तो नेक्स्ट का देखना, यहाँ पे रिसेंट जो मैचेस है दोनों टीम के, तो दोस्तों यहाँ पे जालमी टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें से पहला मुकाबला लॉस किया है और पहला मुकाबला यहाँ पर रॉयल टाइगर्स के खिलाफ ही लॉस किया, बाकी 2 मुकाबले विन किए। वहीं रॉयल टाइगर्स ने 2 मुकाबले खेले, दोनों ही विन किए। और इस मैच के विनिंग प्रेडिक्शन की बात की जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लग रहा है कि रॉयल टाइगर्स इस मैच जो दोबारा से विनिंग लेकर जा सकती है, लेकिन मैच थोड़ा टक्कर का रहेगा इस मैच का दोनों अगर बात किया जाए तो गाइस। अभी नेक्स्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूँ कि अगर अभी तक आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो यहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि यहीं पे मैं आपको फाइनल जो टीम होती है स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की जो प्रोवाइड कराता हूँ सीधे दोस्तों जो लाइनअप के बाद। तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिससे आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर पाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे ऑल प्लेयर के, आप स्टेट्स रहते हैं कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे बैटिंग प्लस बॉलिंग में, कौन से प्लेयर कहाँ पे जो आपको ये रोल करते नजर आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले मैं आपको जो है दीपोपेस चार्मे की प्लेइंग 11 के बेस पे बता देता हूँ। और गाइस इनकी जो है ना प्लेइंग 11 के हिसाब से लास्ट जैसी बैटिंग ऑर्डर थी ना, वैसे ही आपको इस मैच के अंदर भी बैटिंग ऑर्डर देखने को मिलेगी। अगर कोई बैटिंग ऑर्डर में चेंज होगा भी तो गाइस यहाँ पे हो सकता है कि 5वें पे 6वें और 7वें इन नंबर पर कुछ चेंजेस होगा, बाकी टॉप 4 में ना आसानी से आपको सेम बैटिंग लाइनअप देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा चेंज हो सकता है कि इनका विकेट कीपर आपको 6वें या फिर 5वें नंबर पर खेलते नजर आ सकते हैं, अदरवाइज सेम बैटिंग लाइनअप आपको देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर भी। जहाँ पे गाइस देखा जाए तो यहाँ पे इनकी टीम के जो है कुकी खेल दोस्तों का देखा जाए तो अभी जो 3 मैचेस खेले जिसमें से गाइस एक मैच था जहाँ पे इन्होंने 30 रन स्कोर किया, बाकी दूसरे मैच दोस्तों का देखा जाए तो यहाँ पे जो लास्ट मैच खेला वहाँ पे 2 रन बनाकर आउट हो गया प्लस 2 ओवर बॉलिंग किया था जहाँ पे इसको 2 विकेट मिला है। पहले मैच 0 पे ही आउट हो गया था रॉयल टाइगर्स के खिलाफ में गाइस, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने लायक रहेगा। तो गाइस यहाँ पर अगर नेक्स्ट बात करता हूँ तो यहाँ पे इस मैच के अंदर अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करो प्लेयर इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा और इस मैच में बता दो एक अच्छा खासा इनिंग खेल के देख सकता है। बॉलिंग का दोस्तों इसका कुछ कन्फर्म नहीं रहेगा, बॉलिंग में भी इस मैच ना कर या फिर एक और टीम चाहे तो इसे करवा सकती है, लेकिन बैटिंग आपको ओपन करके देगा और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस मैच के अंदर कम से कम आपको 20-30 रन बनाकर दे सकता है, तो इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है इस मैच में जो है जीशान कुकी के, तो इसको अपनी टीम में आप जरूर लेकर चल सकते हैं। जाहिर साफी की बात को दोस्तों आपको ये प्लेयर ऑलराउंडर डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, बॉलिंग अभी तक नहीं किया लेकिन बैटिंग से आप देखेंगे तो कंटिन्यू ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। पहले मैच केवल 11 रन बनाया था और गाइस रॉयल टाइगर्स के खिलाफ जो है खेला हुआ इनिंग 11 रन की, तो गाइस इस मैच में इसका एक अच्छी खासी पारी आपको देखने को मिल सकती है, ओपन कर रहा है गाइस यहाँ पे। और शानदार दोस्तों बता दो आपको दोनों ओपनर में से एक ओपनर आपको अच्छा खासा बैटिंग करके देने वाला है, तो सेफ रहेगा कि आप दोनों को टीम में लेकर चलो, दोनों प्लेयर काफी शानदार है और एक प्लेयर आपको अच्छी खासी लंबी इनिंग खेल के देता है तो आपको अच्छे खासे जो पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से इस मैच में विनिंग भी कर जाओगे। वार्नर बैटिंग दोस्तों उस्मान मोहम्मद कर रहा है जो कि कंटिन्यू बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक बन चुका है और देखेंगे तो पहले मैच इसने 52 रन के साथ 2 विकेट निकाला और गाइस ये जो इनिंग था ना इसका रॉयल टाइगर्स के खिलाफ ही आया था, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्लेयर के क्या लेवल रहने वाले गाइस। मैं नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों यहां पे 75 रन की पारी खेली थी, तो लास्ट मैच में बॉलिंग से विकेट तो नहीं मिला था लेकिन 75 रन की पारी इसने ताबड़तोड़ बैटिंग से की थी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों जालमी की टीम की तरफ से आप ज्यादातर लोगों ने इसको कैप्टन कर रखा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर और रिसेंट जो परफॉर्मेंस है इसके टी10 के अंदर वो भी काफी शानदार रहते हैं। पावर हिटिंग बैटिंग के साथ 2 ओवर कंप्लीटली बॉलिंग कर रहा है जिससे दोस्तों शानदार आपको विकेट भी निकाल के दे रहा है और बॉलिंग के साथ बैटिंग भी एक अच्छे खासे स्कोर बनाकर दे रहा है, इंपॉर्टेंट रहता है कैप्टन वाइस कंपनी से इसको कर सकते हैं जो कि आपके लिए सेफ रहेगा स्मॉल लीग के अंदर। नेक्स्ट गाइस टीम के कैप्टन दोस्तों यहाँ पे बात करें तो काई दयालदार दोस्तों यहाँ पे 2 मैच खेले हैं, दोनों में अच्छे खासे परफॉर्मेंस है, 4थे नंबर पे बैटिंग करते दोस्तों, पहले मैच 21 रन दूसरे मैच 18 रन की पारी इन्होंने जो खेली हुई है और प्लेयर दोस्तों काफी अच्छे खासे दोस्तों समझदारी के साथ बैटिंग करता है, इंपॉर्टेंट दोस्तों जिम्मेवारी वाली हमेशा ही पारी खेलता है, तो इंपॉर्टेंट रोल जरूर इस मैच में भी करेगा, तो यहाँ पर इसको अपनी टीम में आप सेफ पिक के तौर पर लेकर चल सकते हैं। 5वां प्लेयर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आराम सुतला रहते जो कि गाइस 2 मैच में कंटिन्यू बैटिंग करते देखेंगे, तो पहले मैच में 34 रन की पारी खेली थी गाइस, यहाँ पे जो है रॉयल टाइगर्स के खिलाफ बॉलिंग में कोई विकेट तो नहीं मिला था लेकिन बैटिंग काफी शानदार इन्होंने किया था। वही लास्ट मैच जो खेला था
वहाँ पे गए 6 रन पे आउट हो गए थे और बॉलिंग में कोई विकेट नहीं मिला था। प्लेयर दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहा है और इस मैच में आपको कम से कम एक विकेट जरूर निकाल कर दे सकता है ये प्लेयर, तो इसको अपनी टीम में लेने का आपकी एक अच्छी खासी प्रॉफिट जो है जरूर बनाकर देगा। वहीं कैसे बॉलिंग के पार्ट से आगे देखा जाए यहाँ पे रहते हैं उल्लास आखिरी का इस बॉलिंग किया था, अभी तक एक भी विकेट इसको नहीं मिला, केवल एक मैच इसको बॉलिंग का मौका मिला है और मे भी इस मैच में शायद ये प्लेयर आपको बॉलिंग करते ना दिखे और यहाँ पे इसकी जगह जो है चेंज ला सकती है टीम अली शाहबाज को अपने प्लेइंग 11 के अंदर। वहीं नेक्स्ट अगर बात करूँ तो गाइस यहाँ पे विकेट कीपर है दोस्तों यहाँ पे जो है कोके हिल रहते हैं, जो कि गाइस अभी एक मैच बैटिंग किया था यहाँ पे 6 रन बनाया था और एक विकेट निकाला था पहले मैच जहाँ पे उन्होंने जो दोस्तों विकेट कीपर नहीं किया हुआ था और बाकी लास्ट के मैच में अभी तक इसकी कोई बैटिंग नहीं आई है। नेक्स्ट की बात की दोस्तों अब्दुल मिर्जा की, तो अभी तक इन्होंने बैटिंग बॉलिंग कुछ भी नहीं किया, साथ यहाँ पे दारवेश खान भी दोस्तों अभी तक बैटिंग बॉलिंग नहीं किए, तो इस मैच में आपको ये दोनों प्लेयर के ऊपर हो सकता है कि चांस लिया जा सकता है, यहाँ पे ग्रैंडलिंग में आपको ट्राई कर सकते हैं और इनको बॉलिंग मिलता है तो आपको अच्छे खासे विकेट निकाल कर दे सकते हैं जिससे आपको जीएल के अंदर थोड़े रैंक प्रमोट हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इनकी टीम के जो है एक अच्छे खासे बॉलर दोस्तों मलिक ज्यादा रहते हैं, जो कि लास्ट मैच दो विकेट निकाला था, उससे पहले दोस्तों विकेट लेस गए थे लेकिन प्लेयर का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहेगा इस मैच में, तो इसको अपनी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं और यहाँ से ग्रैंडली के लिए एक शानदार प्लेयर बनते हैं दोस्तों जो सादत सैद रहते हैं। दोस्तों जीएल में इसको जरूर ट्राई करना, जीएल के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल बन सकता है यहाँ पे डुपा पेस चालमी की टीम की तरफ से, बहुत से कम लोग इसको ट्राई करेंगे और कैसे यहाँ पे जो है मलिक ज्यादा को भी बहुत कम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों, मैंने लगभग देखा था तो शायद 20% के आसपास ही लोगों ने इसको अभी अपनी टीम में लिया हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल जो है ये दो प्लेयर इस मैच में जो बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जालमी को अगर ये मैच जीतना है ना तो बैटिंग तो हालांकि इसकी अच्छी हुई थी, देख सकते हैं लास्ट मैच तो वहाँ पर उस्मान ने भी अच्छे खासे स्कोर किए थे, देलदार ने भी मैच में स्कोर किया था, इन्होंने भी स्कोर बनाया थे, लेकिन क्या दोस्तों बॉलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बॉलिंग में देखेंगे ना तो बहुत सारे यहाँ पे इनको बॉलर से विकेट लेस से गए थे जिसके कारण इनका मैच जो यहाँ से निकल गया था। इस मैच में अगर इसको विनिंग करना है तो सिंपल सी बात है दोस्तों इनके बॉलर्स को अपने जो है अच्छे खासे परफॉर्मेंस करने पड़ेंगे, तो ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि इनको अपने मैच में वापसी करवा सकते हैं, तो इन दो प्लेयर के ऊपर आप जरूर ट्राई करना, जीएल प्लस स्मॉल लीग में आप रिस्की टीम बना ले तो ये दो प्लेयर आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट होंगे जालमी की टीम की तरफ से। अभी बात करूँ सेफ के बारे में तो गाइस यहाँ पे सेफ प्लेयर दोस्तों यहाँ पे टॉप के 5 प्लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गाइस बैटिंग प्लस बॉलिंग जरूर करेंगे हमेशा आपको कंटिन्यू, दो ओवर बॉलिंग करके देने वाले में से सुल्तान रहते हैं और उस्मान दो ओवर कंप्लीटली बॉलिंग करेंगे, बाकी 3 प्लेयर टॉप ऑर्डर बैटिंग अच्छे खासे कर रहे हैं जो कि आप देख ही पा रहे हो। वहीं बॉलिंग से अगर बात करूँ गाइस यहाँ पे तो ये दो प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल कर सकते हैं, तो अगर 6 प्लेयर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो ये 6 प्लेयर रहेंगे, आप अगर आप एक प्लेयर स्किप करना चाहते हैं तो मैं गाइस यहाँ पे कहूँगा यहाँ पे जीसन या फिर साफी में से किसी एक को आप रिस्क लेकर जो है ड्रॉप कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कोई एक ओपनर इस मैच में जल्दी आउट होगा और एक आपको अच्छी खासी इनिंग प्ले करके देने वाला है। वहीं गाइस मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो है आगे हमारे पास दूसरी साइड टीम रहेगी यहाँ पे रॉयल टाइगर्स की, तो यहाँ पे इनकी टीम की भी दोस्तों लाइनअप काफी अच्छी खासी है और रिसेंट परफॉर्मेंस भी शानदार इनके रहे हैं, यहाँ पे गाइस पहले ओपन करते हुए यहाँ पे दर्शन सेठी ने दो मैच में अगर देखा जाए तो 29 एक में 19 रन बनाए हैं और प्लेयर के रिसेंट परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है गाइस, एवरेज 20+ आसानी से करके देता है गाइस, इस मैच में हो सकता है कि यहाँ पे जल्दी आउट होते हुए देख सकते हैं ये प्लेयर आपको। यहाँ पे गाइस क्या है दोस्तों इसके प्लेयर के जो रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ठाक है लेकिन सामने की जो है टीम यहाँ पे दोस्तों इस मैच में कहीं ना कहीं अच्छे खासे टकराव देखने को मिलेंगे और यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जो फर्स्ट इनिंग में अगर इसकी बैटिंग आती है तो जल्दी आउट होता हुआ दिख सकता है। वहीं कैसे यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ पे आर्सेनल की बात करें दोस्तों दो मैच कंटिन्यू बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है बैटिंग प्लस बॉलिंग के साथ, 60+ रन यहाँ पे दोस्तों बनाया लगभग दोनों मैच में और एक एक विकेट यहाँ पे बॉलिंग करते निकाला और कंप्लीटली आपको दो ओवर बॉलिंग करते दिख जाएगा। सेम दोस्तों स्थिति यहाँ पे जो है प्रेशर की रहती है, ये भी दो ओवर कंप्लीटली बॉलिंग करते हैं और 1 रन बैटिंग करके देते हैं और रिसेंट परफॉर्मेंस दोनों की काफी शानदार है। और कैसे यहाँ पे बात करूँ तो हो सकता है आर्सेनल की दोस्तों जल्दी आउट हो सकते हैं और यहाँ पे सेट्टी जल्दी अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों होता है कई बार की बहुत सारे प्लेयर्स ने इनको ड्रॉप किया होगा और यहाँ पे गाइस ये प्लेयर अच्छा सा स्कोर करके चल जाएगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है ग्रैंड लीग के अंदर, तो जीएल आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आर्सेनल को एज अ सिंपल प्लेयर की तरफ लेकर चल सकते हैं बिना कैप्टन वाइस कैप्टन से, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों ने अपनी जो उम्मीद बना रखी होंगी और इसको जल्दी अगर आउट होता है तो आपके जीएल के अंदर बहुत अच्छे खासे जो प्रमोशन मिल जाएंगे रैंकिंग में। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों प्रासर आपको एक अच्छा रोल कर सकता है इस मैच में, आपको बता दूं बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के साथ एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस इसकी तरफ से आप देखने को देख सकते हैं, तो 29 रन पहले मैच बनाया था, दूसरे में 11 बनाया था और इस मैच में आपको लग रहा है कि आपको अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके देने वाला है, कम से कम 20-30 रन की जो स्कोरिंग आसानी से करके देगा, तो इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है इस मैच में, इसको अपनी टीम में जरूर लेकर चलना है और स्मॉल लीग अगर आप चाहते कुछ डिफरेंट कैप्टन वाइस कैप्टन शिप तो अभिजीत प्रासर इंपॉर्टेंट रह सकता है। स्थान हो जाए इस मैच है दोस्तों एक अच्छे खासे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे, 4th-5 नंबर पे खेलेंगे, तो यहाँ पे एक अच्छा रोल आपको प्ले करके देने वाले बैटिंग के तौर पे, यहाँ पे आपको एक अच्छे खासे स्कोरिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे स्थान ओहूजा की तरफ से, जिसको टीम में आपको जरूर लेकर चलना है। इससे आपको यहाँ पे जो कुछ अलग पिक बना रहे हो ग्रेनली की टीम बना रहे हो तो यहाँ पे आप इसको वाइस कैप्टन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इस मैच में कहीं ना कहीं अच्छा खासा स्कोर आपको करके दे सकता है। इसके आगे दोस्तों बात करूँ तो अभिजीत जाय कुमार दोस्तों ये भी प्लेयर आपको इस मैच में जो है ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके देगा बैटिंग के दोस्त यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों बात करूँ तो बैटिंग इसकी जरूर इस मैच में आने वाली है और यहाँ पे आपको ये प्लेयर जो है अच्छा खासा स्कोर करके दे जाएगा, तो यहाँ से जो जीएल खेल रहे हैं भाई ग्रैंडलिंग वाले भाई इस मैच में जरूर ट्राई करना कि यहाँ पे स्थान ओहूजा को ट्राई करो, जया कुमार अच्छे खासे पिक बन सकते हैं, प्रासर आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन से रोल रहेंगे अच्छे, क्योंकि दो ओवर कंप्लीटली बॉलिंग है और 1 डाउन बैटिंग भी कर रहा है ये प्लेयर। नेक्स्ट अगर बात करूँ अब्दुल मनान दोस्तों एक ट्रंप कार्ड बन सकता है, ये प्लेयर आपको बताऊँ ना तो अभी तक केवल एक मैच बॉलिंग किया लेकिन ये ऐसा प्लेयर है जो कि हमेशा कंटिन्यू टी के अंदर दो ओवर बॉलिंग करता है और दोस्तों यहाँ पे 5-6 नंबर पर बैटिंग करता है, तो ये प्लेयर इंपॉर्टेंट रोल कर सकता है, अभी तक किसी ने दो ओवर बॉलिंग नहीं डाला लास्ट मैच में, बॉलिंग भी नहीं की है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा अगर इस मैच में बॉलिंग करता है तो वहां से विकेट निकाल के दे रहा था एक अच्छा खासा ट्रंप कार्ड बन जाएगा आपके लिए ग्रैंडली के अंदर, तो जीएल में खास करके जरूर से इसको ट्राई कर लेना। बाकी नेक्स्ट बात करूँ तो टीम के कैप्टन दोस्तों हर्ष रहते हैं जो कि कंटिन्यू दो मैच बॉलिंग किया और इस मैच में आपको बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं गाइस यहाँ पे।
उसके बेस पर ट्राई करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो इसकी जगह मैं कहूँगा दोस्तों अब्दुल मनान को ट्राई करना, जो कि आपके लिए ट्रम्प कार्ड बनेंगे इस मैच के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे वाकर महमूद की बात करें तो लास्ट में जब बॉलिंग किया था विकेटलेस गए हैं, मुश्किल माँ का हो जाए दोस्तों अभी तक बैटिंग वॉलिंग नहीं किया हुआ है। लोकेश वाला ने लास्ट में जब बॉलिंग किया था जहाँ पे एक विकेट निकाला, मोहम्मद सकलेन दोस्तों टीम के इंपॉर्टेंट बॉलर है, कंटिन्यू बॉलिंग करते विकेट निकाल कर गए हैं। और यहाँ से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट जो प्लेयर रहते दोस्तों सिंपल सी बात गई यहाँ पे टॉप के इनके चार प्लेयर मोस्टली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हर्ष मंदियान टीम के कैप्टन और गए मोहम्मद सकलेन बॉलिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो छह प्लेयर यहाँ से हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेंगे स्मॉल लीग के लिए। तो ये सारे प्लेयर्स के ऊपर अपने ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी मैं आगे अपनी टीम की बात कर लेता हूँ, उससे पहले गाइस टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लेना। जैसा कि आपको बोला मैंने फाइनल जो टीम होती है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की वो आपको सीधे लाइनअप पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन करो। बाकी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अपनी टीम के बारे में। सो दोस्तों टीम प्रीव्यू की देखा जाए बात तो मैंने 6-5 का कॉम्बिनेशन कर रखा है, जहाँ पे मैंने रॉयल टाइगर्स की तरफ से 6 प्लेयर ट्राई किया, जहाँ पे मैंने ईशान ओझा को भी टीम में लिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये प्लेयर का स्कोर इस मैच में जरूर आपको देखने को मिलेगा। बैटिंग सेक्शन दोस्तों यहाँ पर जिसन खान को ले रखा है, ऑल डिपार्ट मैंने 6 प्लेयर को ट्राई किया, जहाँ पर मैंने हर्ष मध्यान का दोस्तों यहाँ पे जेड साफी को ले रखा है, प्रासा को ले रखा है, दलदा रहेंगे, अब्दुल मनान और गए यहाँ पे उस्मान मोहम्मद रहेंगे। वहीं पर यहाँ पर बॉलिंग डिपार्ट मैंने मलिक जादा प्रासा और गए यहाँ पर मोहम्मद सकलेन को ट्राई किया, तो लगभग मैंने सेफ सभी प्लेयर्स को ले रखा है। अगर कुछ चेंजेस आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर गए मैंने आपको बोला था कि ओपन मिनट का कोई एक ही प्लेयर चलेगा, तो यहाँ पर आप तो साफी को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्लेयर कंटिन्यू बॉलिंग तो कर नहीं रहा, बैटिंग केवल किया हुआ है। और जिसन ने दोस्तों बॉलिंग भी काफी सारे मैचेस में बॉलिंग कर रखा है ये प्लेयर, तो अगर बॉलिंग करता है इसमें भी तो प्रॉफिटेबल रहेगा। बाकी साफी को आप ड्रॉप करके प्लेयर बॉलिंग सेक्शन से ट्राई कर सकते हैं या फिर बैटिंग सेक्शन से, ये कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं। अब्दुल मनान की जगह पर कुछ चेंजेस करना चाहते तो ये भी आप कर सकते हैं, बॉलिंग डिपार्ट से कोई प्लेयर पिक कर सकते हैं। फिलहाल हमारी ये इनिशियल टीम है, फाइनल जो टीम होगी आपको टॉस के बाद सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मिलता हूं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।